राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में शनिवार सुबह 10 बजे आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इंजन घर के समीप विद्या भवन में लगी। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। राजधानी के सबसे भीड़भाड़ वाले उपनगर संजौली के इंजन घर के समीप सांगटी के एक मकान में अचानक आग लग गई। पड़ोसियों ने घर से धुआं उठते देखा तो इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। अग्निशमन विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और आग को आसपास फैलने से बचाया, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। सड़क से मकान दूर होने की वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पड़ोसी कुलदीप धवन ने बताया कि सुबह 8 बजे मकान मालिक अनिल कुमार बेटी को चंडीगढ़ छोड़ने निकले थे कि पीछे मकान से अचानक आग लग गई। सड़क से दूर होने की वजह से घर के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। उन्होंने मांग उठाई है कि ऐसी भयंकर आगजनी से निपटने के लिए पानी से अलग लाइन बिछाई जाए। मेरा नाम राज है, इधर ही रहता हूँ। ये जहाँ पे आग लगी इधर ही नीचे। ये जो आग लगी किस टाइम ये घटना हुई है, किसका ये मकान है, किस वजह से आग लगी? ये आग लगी करीबन 9:45-10 बजे के आसपास लगी है। तो मकान मालिक कोई था नहीं ना घर में, तो इस करके लग गई है। तो पूजा पाजा की होगी ना उन्होंने, तो लग गई है वो। आपको कब जैसे पता लगा कि? तो 10 बजे थोड़ा हमारे नीचे धुआं आया ना, तो जो साथ में फ्रेंड रहता था वो देव बोल रहा था कि धुआं आ रहा है, तो देखा तो ऊपर आग लगी थी, तो शीशे जड़े थे ना तो पटक गए, तो वहाँ से पता चला कि आग लगी अंदर। आज सुबह शिमला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सांगटी वार्ड में, जो सांगटी वेस्ट का एरिया है और जो सांगटी के डिपो के नीचे श्री अनिल शर्मा जी की बिल्डिंग में कोई 9:30 के बीच में जो आस पड़ोस के लोगों ने धुआं देखा और उसके बाद तुरंत सभी लोग यहाँ पर आस पड़ोस के उसमें एक्शन में आए। और क्योंकि जो हाउस ओनर थे वो अपनी बेटी को छोड़ने आज सुबह 8 बजे ही चंडीगढ़ को गए थे, तो उन्होंने फिर यहाँ पर ताले और दरवाजे तोड़ करके बहुत प्रयास किया और इसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की। ये जो सांगटी वार्ड है ये पहले ये शिमला रूरल तहसील का हिस्सा है, तो इसमें कोई ऐसे ना तो रोड्स हैं ना इसमें जो एक फायर फाइटिंग के लिए एक हाइड्रेंट लाइंस जो सेपरेट होनी चाहिए थी, तो वो अभी तक जितना भी शिमला में नए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वार्ड बने हैं उसमें अभी तक हाइड्रेंट लाइंस नहीं है, क्योंकि जो बड़ी फायर ब्रिगेड है जिसके अंदर पानी की स्टोरेज होती है वो तो हर जगह नहीं पहुंच सकती, एम्बुलेंस रोड पे वो नहीं जा सकती, तो वो एक सबसे बड़ी यहाँ पर एक दिक्कत हुई। तो अभी यहाँ पर ये मंत्री जी भी आए थे और चीफ फायर ऑफिसर, उन सभी लोगों से बात हुई है कि शिमला के दूर जो आसपास के जो 39 विलेजेस में हमारे जो 12 वार्ड कसुमटी विधानसभा क्षेत्र के हैं उसमें जहाँ पर इस तरह कंजेस्टेड पॉपुलेशन है वहाँ पर सेपरेट हाइड्रेंट लाइंस जिसमें से कंज्यूमर कनेक्शन या कोई भी कमर्शियल कनेक्शन ना हो, अगर ये रहेंगे तो इससे हम आग से बच सकते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और हम प्रशासन से और सरकार से मांग करेंगे, अनिल शर्मा जी जिनके परिवार से कोई भी नौकरी में नहीं है, कि उनको जो भी मैक्सिमम पॉसिबल गवर्नमेंट की तरफ से राहत है वो मिलनी चाहिए। इस मौके पर पहुंचे स्थानीय विधायक एवं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आगजनी पर खेद व्यक्त किया है और कहा कि लोग अपनी जगह से पाइपलाइन नहीं बिछाने देते, यदि लोग सहयोग करें तो इस क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन बिछाई जाएगी जिससे 24 घंटे पानी की व्यवस्था रहेगी, जिससे इस तरह की आगजनी पर काबू पाया जा सकता है। 10 बजे के करीब जो है वो आग लगी होगी, तो फायर स्टेशन में इसकी सूचना है वो 10:20 पर जो है वो मिली है। माल रोड के जो फायर स्टेशन है वहाँ से भी 2 गाड़ियाँ आई हैं, छोटा शिमला से गाड़ियाँ आई हैं और आग जो है उसी घर के अंदर अंदर जो है उसको कंटेन कर दिया गया है और वो काबू कर ली गई है। इसके कारणों पर जो है वो बाद में जांच होगी कि कैसे लगी, क्यों लगी, क्योंकि मकान जो है वो बंद पड़ा हुआ है, तो इसलिए कैसे इसमें जो है वो ये घटना हुई है। आग अभी जो है वो ज़रूरत इस बात की थी कि इधर उधर के जो बाकी बिल्डिंग्स हैं वो सेव हो जाएं, तो आप भी देख रहे हैं ये साथ वाली जहां हम खड़े हैं जिसके साथ ही बिल्डिंग है ये उन्हीं की है जिनका ये आग लगी है और बाकी भी बिल्डिंग जो हैं वो इसमें वो सेफ हैं क्योंकि आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की जो हमारी नई टेक्निक के साथ जो काम करते हैं बहुत एफिशिएंट हैं
और जितने भी घटनाएं आप आजकल देख रहे होंगे उसमें जो है वो फायर मैन हमारे फायर ऑफिसर जो हैं तुरंत जो है घटनास्थल पर पहुंच करके जो है वो आग पर काबू पा लेते हैं। हालांकि यहां पर पानी जो है थोड़ा दूर से लाना पड़ रहा है क्योंकि जो पाइप डाला है फायर स्टेशन फायर वालों ने वो इंजन घर में ऊपर जो सड़क पर है वहाँ से जो है इंजन डालना पड़ रहा है। हालांकि इस एरिए के लिए 24/7 पानी का जो है वो स्कीम है लेकिन कुछ कारणों से बीच में पाइप नहीं उसमें जो है वो कुछ लोग जो है डालने दे रहे हैं, उनसे भी निवेदन करेंगे कि वो पाइप जो है इसमें पड़ जाएं तो 24/7 पानी जो है अगर आएगा तो ये परमानेंटली जो है वो पानी की दृष्टि से जो है वो सेफ हो जाएगा। अभी तो जो आग पर काबू पाया गया है उसके लिए मैं फायर ब्रिगेड को जो है बहुत धन्यवाद देता हूँ, इनको बधाई भी देता हूँ कि शिमला में जितने भी आजकल घटनाएं हो रही हैं तुरंत जो है वो उसकी जो है रोकथाम कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।